हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मराठी ममा। कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। नेचुरल, बहुत ही घने सुंदर और खूबसूरत बाल शायद ही किसी को पसंद ना होगे, ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। ऑन योर हाई डिमांड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया सा DIY हेयर ऑयल। हेयर ऑयलिंग और हेयर कंडीशनिंग अगर दोनों एक साथ हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा ना। तो ऐसा ही कुछ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आपको भी वीडियो देखते देखते बहुत मजा आने वाला है। बस आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और बगल वाला बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बेल बटन से ही आपको पता चलता है कि वीडियो में कब अपलोड करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये DIY हेयर ऑयल बनाने के लिए हम कौन कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ ढेर सारा मैंने लिया है करी पत्ता, यानी कि ये है करी लीव्स। ये फ्रेश करी लीव्स है जो मैंने अच्छे से वॉश करके लिए है। और अब इसे एक साफ सुथरे बर्तन में इस तरह से मैं धूप में छोड़ रही हूँ। करीब आपको ये आधा पौना घंटा इस तरह से धूप में छोड़ना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से धूप में और हवा में एब्सॉर्ब हो सके और ये ऑयल में बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो सके। तो आप बर्तन की जगह कपड़ा भी यूज कर सकते हो, कोई भी कॉटन का या कुछ और कपड़ा हो तो उस पर आप ये डाल सकते हो। अब यहाँ मैंने ली है आयरन की कढ़ाई। आयरन की कढ़ाई क्यों यूज करनी है, क्योंकि आयरन हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम ये हेयर ऑयल आयरन की कढ़ाई में बनाते हैं, वैसे ही हमें रोजमर्रा का खाना इसी कढ़ाई में बनाना चाहिए। करी लीव्स के साथ साथ यहाँ मैंने लिए है 6 से 7 हिबिस्कस फ्लावर। ये फ्लावर भी अच्छे से मैंने साफ करके इसे आधा घंटा धूप में रखा था। अब मुझे पता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन तो पड़ा ही होगा कि आधा ही घंटा मैंने इसे धूप में क्यों रखा है और ज्यादा से ज्यादा पौना घंटा धूप में रखने के लिए क्यों बोला है। उसका रीजन ये है कि अगर आप ज्यादा देर तक इसे धूप में सुखाओगे तो करी लीव्स का कलर टोटली चेंज हो जाएगा। जैसे ये ग्रीन कलर हमें दिखाई पड़ता है, ज्यादा सुखाने के बाद वो ब्राउन कलर हो जाता है। और आप जब इसे ऑयल में, पैराशूट ऑयल में फ्राई करने लगते हो तो ऑयल का कलर बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है और ऑयल की गंदी वाली स्मेल भी आ जाती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा देर तक इसे नहीं सुखाना है। और साथ ही में इसमें जो सभी विटामिन्स होते हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं, तो इसे ज़्यादा धूप देने की वजह से वो विटामिन थोड़े बहुत डैमेज भी हो जाते हैं। एक बात आपके लिए मैं यहाँ एडवाइस कर सकती हूँ कि आपके पास यदि फ्रेश करी लीव्स अवेलेबल ना हो और कोई दूसरा आपके पास चारा ना हो तो आप क्या कर सकते हो, धूप की जगह आप इसे छांव में सुखा सकते हो और उसके बाद आपको इस तरह से हेयर ऑयल बनाना है। तो ये देखिए, बात करते करते टाइम निकल गया और हमारा पैराशूट ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हमें इस तरह से उसमें फ्लावर और लीव्स दोनों भी ऐड कर देने हैं। ये देखिए, पहले मैंने, आपने पहले देखा ही होगा, फर्स्टली मैंने एक फ्लावर और ये एक पत्ता डाल के चेक किया था ये ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। ठंडे ऑयल में आपको बिल्कुल ये चीज़ें नहीं डालनी है, गर्म ऑयल में, गर्मा गर्म ऑयल में आपको इस तरह से ये चीज़ें डाल देनी है। तो ये देखिए, जब ये चीज़ें दोनों भी, फ्लावर और लीव्स, अच्छे से आधे तक पक जाए इस तरह से, तो आपको यहाँ कोई भी फ्लावर जिससे अच्छा स्मेल आता हो तो वो फ्लावर यहाँ ऐड करने हैं। आप यहाँ रोज़ फ्लावर भी ऐड कर सकते हो और कोई दूसरे जैसे चमेली, इनमें से कोई भी फ्लावर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो वो फ्लावर। आपको ये सभी चीज़ें ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेनी है। इसे ना जलाना है ना कच्चा छोड़ना है। आपको ये दिखाई देगा कि ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से ऑयल में फ्राई हो चुकी है और ऑयल का कलर भी चेंज हो गया है। ये दोनों चीज़ें आपको जब पता चलेगी तभी उसी वक्त आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। अब गैस की फ्लेम बहुत ही लो है, लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको ये ऑयल बनाना है। इसी तरह के आपको यदि वीडियो देखने हैं और तो आपको मेरे चैनल पर नीचे रेड वाला जो सब्सक्राइब बटन है वो प्रेस करना है और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना है।
इसी तरह के DIY हेयर ऑयल मैंने बहुत सारे वीडियो इसके पहले बनाए हुए हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और साथ ही में यहाँ एंड स्क्रीन पर भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ऑयल है अब आपको ये स्ट्रेन करना है एक छन्नी से और आपको अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में इसे रखना है और जब चाहे तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।